हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष राठौर, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, और एक बार मैं फिर से हमेशा की तरह आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ले आया हूं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बैक 12 एक ऐसा लोकोमोटिव जो कि इंडियन रेलवेज में आते ही फेमस हो गया, और इसलिए क्योंकि इसकी खासियत ये थी कि ये लोकोमोटिव 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है, जो कि इंडिया के अभी जितने भी लोकोमोटिव उन सभी में सबसे ज़्यादा हाई पावर का है, चाहे वो डीजल हो या इलेक्ट्रिक। तो इस लोकोमोटिव के बारे में मैं एक और अपडेट ले आया हूँ। अपडेट तो नहीं, इस एक तरह से आप इसको ऐसा ले लीजिए कि मैं इतने दिनों से शांत था इस लोकोमोटिव को लेकर के, तो उसी बीच मैंने बहुत सी कुछ बातें अपडेट जो मेरे को मिलती रहती थी वो इकट्ठी करी और आज मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वैक 12 लोकोमोटिव आज से एक साल पहले अगस्त में इसकी टेस्टिंग का कुछ फॉल्ट आया था, जिसका ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें कुछ खराबी नजर आई थी, उसकी वजह से कुछ एक्सीडेंट वगैरह भी खबर आई थी। वो सब कुछ मेंटेनेंस जो होनी थी उसका टाइम पीरियड अल्स्टोम इंजीनियर को रेलवे बोर्ड ने दिया था, उसके अंतर्गत उसने काम पूरा कर भी दिया होगा क्योंकि ये हमें बाद में ट्रैक पर दिखा है। तो टाइम पर काम पूरा होने के बाद 2018 ख़त्म होने के बाद 2019 के मिड में कई खबरें आई कि सहारनपुर के आसपास इस लोकोमोटिव को देखा गया है। तो सहारनपुर मुरादाबाद रूट पर जो छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पड़ते हैं वहाँ पर इस लोकोमोटिव की टेस्टिंग चल रही है, और ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ क्योंकि देखा भी गया है और कुछ वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे रेल फैंस के द्वारा। नजीबाबाद, नगीना, ऐसे ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहाँ पर इसको कैप्चर किया गया है, तो ये खबर बिल्कुल पक्की है। और सहारनपुर जो लोको शेड है इसकी, अच्छा एक बात और आपको बता दूँ, इस लोकोमोटिव के दो मेंटेनेंस शेड हैं इंडिया में, जो कि पहला खोला गया है वो सहारनपुर में, अगला अजनी नागपुर में खुलेगा या फिर खुल भी गया होगा। तो मेरे को अपडेट सहारनपुर की है क्योंकि ये मेरे नज़दीक है, कुछ खबर मिलती रहती हैं। तो सहारनपुर का जो शेड है वहाँ पर WAG-12 को लेकर के आया भी गया है, और यहाँ पर इसकी जो टेस्टिंग है वो भी चल रही है, दिन ब दिन टेस्टिंग इसकी चलती रहती है। साथ में इसको चलाने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है लोको पायलट्स को, वो भी इंडियन रेलवेज के। अब बात शुरू होती है यहाँ से, मेन खबर ये है कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ा लोको शेड बनाया गया है सहारनपुर में, वहाँ पर वैक 12 के लिए इतनी अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, अल्स्टोम ने वर्ल्ड क्लास लेवल का ट्रेनिंग का पूरा यहाँ पर सिस्टम तैयार करा है, जहाँ पर लोको पायलट्स को ट्रेनिंग दी जा रही है इंडियन रेलवेज के वैक 12 के चलाने के लिए EDFC में। और वहाँ पर जो लोको पायलट पहुँच रहे हैं उन लोको पायलट को एक ऐसा ट्रेनिंग हॉस्टल भी प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत ही मज़ेदार हॉस्टल है। अभी तक इंडियन रेलवेज में किसी भी लोको पायलट को इतनी फैसिलिटीज़ में नहीं मिलती होगी जितनी अल्स्टोम ने दी है। हालांकि अल्स्टोम को पैसा रेलवे पे कर रहा है इस सर्विस के लिए, लेकिन अल्स्टोम ने जो प्रोवाइड किया है यार, वो किसी 5-स्टार होटल के रूम से कम नहीं है। इस रूम की अगर आपको जानकारी चाहिए तो एक मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो लोको पायलट हैं उनका चैनल है, उनकी वीडियो आप देख सकते हैं किस तरीके से वो होटल रूम है। और अब दोस्तों देखना यह है कि लोकोमोटिव जो अभी एक असेंबल हुआ था मधेपुरा में, वही लोकोमोटिव ओनली अभी सहारनपुर में उपलब्ध है ट्रेनिंग के लिए, या फिर और भी बन चुके हैं, क्योंकि मैंने उनकी वीडियो में देखा कि मेरे को ऐसा लग रहा है देख करके कि एक लोकोमोटिव पहले खड़ा हुआ दिखा गया, फिर आगे जब उनकी वीडियो चलती है तो एक लोकोमोटिव मुझे और दिखा। हो सकता है मे भी वही लोकोमोटिव आगे आ गया हो चल करके, लेकिन कन्फर्मेशन मेरे को अगर आपको है कुछ तो मेरे को कमेंट में बताना, बाकी मैं खुद जाकर के देखने की अभी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं देखूँ वहाँ जाकर के खुद, क्योंकि ये लोकोमोटिव असेंबल एक बार हुआ था, अब अगली बार मैन्युफैक्चर होना था, क्या पता मैन्युफैक्चर होना शुरू हो चुके हों आज तो मधेपुरा में, ये भी पॉसिबल हो सकता है। तो प्लीज़ अपडेट कीजिएगा अगर आप वहाँ पर कोई इंजीनियर हैं या फिर LP हैं, और वहाँ पर जो LP हैं, जो लोको पायलट हैं वो इंडियन रेलवे के हैं, वो जो लोको पायलट हैं जिनको वहाँ भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए वो मेनली गुड्स से रिलेटेड लोको पायलट्स हैं, LPG जो कि लोको पायलट गुड्स, यही हैं जिनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है, या फिर असिस्टेंट लोको पायलट जो कि गुड्स के लिए अलॉट हुए हैं स्टार्टिंग में, इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। और हर लोको पायलट को एक अलग से रूम दिया जा रहा है जिसमें AC से लेके हर चीज़ की सुविधा है, शेयरिंग नहीं है, अलग से रूम दिया जा रहा है और सारी सुविधा है। लोको इंस्पेक्टर उनको भी ये ट्रेनिंग दी जा रही है, सभी को एक जैसे रूम दिए जा रहे हैं। और जो लोको पायलट पैसेंजर के लिए अलॉट होते हैं LPP, उनको ये ट्रेनिंग नहीं कराई जा रही है क्योंकि उनको गुड्स ट्रेन का वेटेज नहीं दिया जाता है। तो जो गुड्स ट्रेन चलाते हैं लोको पायलट उनको ये सुविधा मिल सकती है, और लकी होंगे जिनको वैक 12 चलाने का मौका मिलेगा। बाकी दोस्तों वैक 12 तो अब सही हो चुका है, और जो लोग ये कह रहे हैं क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि वैक 12 कामयाब नहीं होगा, तो वैक 12 कामयाब होने वाला है क्योंकि अब जब ट्रेनिंग चल रही है तो वैक 12 जल्द से जल्द EDFC में उतरने वाला है, ये बात तो पक्की होने वाली है। 2021 तक तो ट्रैक पर ये बड़ी बड़ी ट्रेनों को खेसता हुआ दिखाई देगा।
EDFC और VAC-12 दोनों की एक आखिरी में बात बताना चाहूंगा। एक अपडेट EDFC की तरफ से और या तो होल DFC-CIL की तरफ से आई है कि 990 किलोमीटर का ट्रैक 2019 के एंडिंग तक कमीशन हो जाएगा। मतलब कि बहुत सारा काम लिमिट चुका है EDFC का भी और WDFC का भी। EDFC में खुर्जा भडान सेक्शन को खोल दिया जाएगा बहुत जल्द, और हो सकता है मे भी क्या पता VAC-12 को चलता हुआ हम देख सके 2019 के एंड या 20 के मिड में। तो देखते हैं दोस्तों अब क्या होता है आगे। आगे की इन्फॉर्मेशन मैं अच्छे से खुद जा करके देख करके लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए VAC-12 की, क्योंकि VAC-12 हमारे देश का बहुत ही बड़ा लोकोमोटिव है और सबसे ज़्यादा ताकतवर लोकोमोटिव है, तो इसको हम जरूर कैप्चर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।